कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इन लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं, मैं हर दिन बताता हूं। मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे।